प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक पहुंचे। साउथ ब्लॉक पहुंचते ही तीसवें कार्यकाल का पीएम मोदी ने धमाकेदार आगाज किया। दरअसल तीसवें कार्यकाल के अपने पहले फैसले में पीएम मोदी ने किसान निधि के 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और काम करेगी। रविवार शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों मंत्री परिषद में शामिल हुए।